जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। यह सेमेस्टर 1 CC1 पेपर का है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पाषाण काल। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है और इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। आपका ये जो आप जितने भी ये वीडियो में पॉइंट्स देख रहे हैं ये आपके फर्स्ट यूनिट में है और शायद ये सवाल आ भी सकता है कि प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल में क्या क्या चरण है, या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको विस्तारपूर्वक जाने कि प्राक ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम क्या है। तो इस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण नहीं दिया है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग लिखित विवरण से अनुमान लगाते हैं कि ये कितनी प्राचीन है, परंतु इस काल में कोई लिखित विवरण नहीं था। इस काल में विषय में जो भी जानकारी मिली है वो पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों आदि से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख जो प्राप्त हुए हैं वो हम लोग पढ़ नहीं पाए, जिसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी और जेपीएससी के अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये सवाल रहता है कि आद्य ऐतिहासिक काल को आप किस तरह से लोगों के सामने लाएंगे और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि इसमें लिखित विवरण था लेकिन पढ़ नहीं पाए थे। अब इसके बाद आया है ऐतिहासिक काल। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा गया है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई है, पर ज्ञानी मानव यानी होमोशेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले की गई है। हालांकि बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का ये मानना है कि ये इससे भी प्राचीन है। पुरापाषाण काल के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। यूनानी भाषा में पुरापाषाण काल को पैलियस प्राचीन यानी लिथोस पाषाण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन्हीं शब्दों के आधार पर पैलियोलिथिक एज यानी पाषाण काल शब्द बना। इस काल में आखेटक और खाद्य संग्रहण काल के रूप में ही जाना जाता है। अभी तक भारत में पुरापाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं मिल पाए हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप मिले हैं वह है उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण। प्राप्त तो उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 2 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख ईसा पूर्व तक के माने जा सकते हैं या उनसे भी पुराने हो सकते हैं। अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान खुदाई में मिले अवशेषों में यह अनुमान लगाया गया है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। साथ ही साथ सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लैक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास वर्तमान चेन्नई में पाए गए हैं और इस दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी यानी मिर्जापुर एवं बेलन घाटी इलाहाबाद में मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीम बेटका में मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्रय भी महत्वपूर्ण है। इस समय के मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रेटो जाति के थे। भारत में पुरापाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांट जा सकता है। यह अवस्थाएं थे पुरापाषाणकालीन संस्कृतियां काल अवस्थाएं, निम्न पुरापाषाण जिसको काल हस्त कुठार या विदारणी उपयोग कहा गया है, साथ में मध्य पुरापाषाण जिसको काल शल्क यानी फ्लैक्स से बने औजार उस काल को माने गए हैं, और उच्च पुरापाषाण यानी काल शल्क को और फल्क को यानी ब्लेड पर बने औजार इस समय पाए गए हैं। पूर्व पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पूर्व पुरापाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्र हैं वो है पहलगाम कश्मीर, वेनल घाटी इलाहाबाद जिले में स्थित है, भीमबेटका और आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है, सोलाआर और सिंगी तालाबानार
जो जिले राजस्थान पे स्थित है। नेवाशा अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में स्थित है। होसंगी गुलबर्गा जिले में कर्नाटक में स्थित है। और अत्तरी रामपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। मध्यपुरा पाषाण युग के महत्वपूर्ण जो स्थल है वो है भीमबेटका, नेवाशा, पुष्कर इत्यादि। ऊपरी सिंध की रोहिली पहाड़ियां साथ में नर्मदा के किनारे स्थित समानापुर, यानी कि पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि निम्न पुरापाषाण काल को, मध्य पुरापाषाण काल को और उच्च पुरापाषाण काल को। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि मध्य पाषाण काल, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाणोपकरण यानी माइक्रोलिथ कहते थे। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टराइट के स्थान पर मध्य पाषाण काल में जस्पर, एगेट, चर्ट और चाल स्निंग जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए गए थे। इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में पाए गए हैं। अभी हाल ही में जो कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदी एवं विंध्य क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। इस समय पर लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े और भैंसों का शिकार करने लगे थे। जीवित व्यक्ति के अपवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला है, जो 70,000 साल पुराना होने की संभावना है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्र यानी जीन्स में पूरी तरह से मिलते हैं। साथ ही साथ यह काल वह है जब अफ्रीका से आदि मानव में विश्व के अनेक हिस्सों से बसने प्रारंभ किए, जो 50 से 70 हजार साल पहले का माना जाता है। कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य सांभर राजस्थान में जो पौधे बोने के काम किए गए थे, जो ईसा से 7,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान में थी, जिसके अवशेष मोहनजोदारो यानी कि मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिलते हैं। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बाद में हुआ। वेदों में हमें इस काल की सभ्यता की एक झांकी मिलती है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है कि लोग अत्येष्टि यानी अत्यंष्टि के परिचित थे। अंत्येष्टि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। जब भी हिंदू धर्म में या उस जमाने में जो उस टाइम में जो धर्म चल रही थी उस जमाने में भी अंत्येष्टि का बहुत महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो अंत्येष्टि की जाती थी। मानव अस्थि पंजर के साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिले हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि ये लोग मनुष्य के प्राचीन काल से ही सहचर थे। बागोर और आदमगढ़ में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों द्वारा भेड़े बकरियां रख जाने का साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण जो स्थल रहे हैं वो है बागोर जो राजस्थान में है, लंगनाज गुजरात में है, सराय नाहराय, चोपनी मांडू, महरगढ़ा और दमदमा उत्तर प्रदेश में, जो भीमबेटका अहमदाबाद नगर में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे अनेक ऐसे स्थल भी पाए गए। नवपाषाण अथवा उत्तर पाषाण काल, साधारणतया इस काल की सीमा 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की तौस नदी की घाटी से प्राप्त किया है। इसके बाद 1872 ईस्वी में नेबलियन फ्रेजर की कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु थे कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि। ताम्रपाषाण संस्कृति भी इतनी ही प्राचीन है जैसे कि जिस काल में मनुष्य के पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया गया है, इस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया है उसे तांबा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करीब 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी के सूखे क्षेत्रों में अहाड़ा एवं गिल्लड नामक स्थानों की खुदाई की गई। मालवा एवं एरन स्थानों पर भी खुदाई का कार्य संपन्न हुआ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। खुदाई में मालवा से प्राप्त होने वाले मृदभांड ताम्रपाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृदभांडों में सर्वोत्तम माने गए हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में यानी कि उस समय व्यापक उत्खनन क्षेत्रों में अहमदनगर के जोरवे निवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनाम गांव आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये सभी क्षेत्र जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते थे। इस संस्कृति का समय 14000 यानी कि 1400 से लेके 700 ईसा पूर्व के करीब माना जाता था। यानी कि वैसे सभ्यता ग्रामीण थी परंतु कुछ भागों में दायमाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। बनास घाटी में स्थित आहड़ और सपाप कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई हैं। ये सब तांबे से निर्मित उपकरण थे। आहड़ अथवा तंबलवली के लोग पहले से ही धातुओं के विषय में जानकारी रखते थे। आहार संस्कृति की समय सीमा 2100 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। गिलंड जहां पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं आहार संस्कृति के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि ऊंट पालते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक पांच कमरों के मकान के अवशेष पाए गए हैं। जीवन सामान्यतः ग्रामीण ही थी। चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड पाए गए हैं। कुछ बर्तन जैसे साधारण तस्तरियों एवं साधारण कटोरे यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहुत सारे रेशम धागे और कायथा से मिले मनके के हार और उसके आधार से बने बहुत सारे आभूषण प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल में लोग कटाई, बुनाई और सुनारी व्यवसाय में परिचित थे। इस समय शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। दक्षिण भारत में प्राप्त शवों के शीश पूर्व और पैर पश्चिम की ओर एवं महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के शीश उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर मिले हैं। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन था। इस काल के लोग लेखन काल से अनिभिज्ञ थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित ऋषभ की मूर्ति एवं इनाम गांव से प्राप्त मातृदेवी की मूर्ति से लगता है कि लोग ऋषभ एवं मातृदेवी की पूजा करते थे। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। कुछ तो पाक हड़प्पाई है, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है, कुछ और हड़प्पोत्तर काल की है।
पाक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनवाली स्पष्टता ताम्र पाषाणिक अवस्था के हैं। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक बची रही। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष ताम्र पाषाणिक काल में ही मिलती है। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। हमें ये भी जानना चाहिए कि ताम्र पाषाणी संस्कृतियां क्या क्या थी। तो चलिए हम लोग ये कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि ये संस्कृति का टाइम क्या है या इस संस्कृति में लगभग किस तरह की स्थिति थी। तो ताम्र पाषाणी संस्कृतियां जो थी उसका जो काल निर्धारण था वो था आहर संस्कृति लगभग 1700 से 1500 ईसा पूर्व थी। कायथ संस्कृति की टाइमिंग थी 2000 से 1800 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व थी। सावलदा संस्कृति लगभग 2300 से 2200 ईसा पूर्व थी और जोरवे संस्कृति लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व थी। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी भी छोटे मोटे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर कोई संस्कृति के बारे में आता है तो वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में बताएं, जिसके बारे में आप इस तरह से लिख सकते हैं। साथ में आपने इस वीडियो में जोरवे संस्कृति के बारे में अनगिनत बातें पढ़ी और सुनी।